कोरोना की लहर के कहर से बचने के लिए झारखंड सरकार द्वारा प्रायोजित सप्ताह विशेष टीकाकरण अभियान के तहत 4 जून से वैक्सीन दिया जाएगा। 4 सप्ताह तक अभियान चलाया जाएगा, जिसमें पहले सप्ताह में शुक्रवार को सभी विधिक एवं न्यायिक से संबंधित अधिकारी एवं उनके परिवार, सामान्य जनता, शनिवार को धार्मिक संगठनों से जुड़े लोग, स्थानीय नेता एवं उनके परिवार के साथ सामान्य जनता, रविवार को सभी प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर्मी एवं उनके परिवार, सामान्यतः जनता को टीका दिया जाएगा। इसी प्रकार दूसरे, तीसरे और चौथे सप्ताह में भी विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा। आरसीएच पदाधिकारी डॉक्टर श्याम किशोर एवं सिविल सर्जन डॉक्टर संजय जायसवाल ने प्रेस वार्ता कर ये जानकारी दी। डॉक्टर श्याम किशोर ने आवाज से बात करते हुए कहा कि अलग अलग व्यवसाय से जुड़े लोगों को एक ही जगह टीका देने की सुविधा दी गई है। लक्ष्य के तहत 7000 वैक्सीन प्रतिदिन देना है। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग से टीकाकरण सफल हो सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कमी है, जिसे विशेष रूप से जागरूक करने की जरूरत है। सुदूरवर्ती क्षेत्रों के लिए मोबाइल वैन की व्यवस्था की गई है, जो घर घर जाकर टीका लगाएगी। वैक्सीन की बर्बादी के संबंध में उन्होंने कहा कि हजारीबाग में वैक्सीन की बर्बादी ना के बराबर है। वैक्सीनेशन में 18 प्लस के युवाओं में काफी जागरूकता देखी जा रही है, लेकिन 45 से अधिक के लोगों में जागरूकता की कमी देखी जा रही है। हजारीबाग से सागर की रिपोर्ट। किया है, जिसका नाम रखा है उसने सप्ताहांत विशेष टीकाकरण अभियान। इसमें सप्ताह के 3 दिन लिए गए हैं, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। इसमें विशेष अभियान चला के मैक्सिमम लोगों को टीकाकरण करने के लिए उनसे आग्रह किया जा रहा है और उसकी व्यवस्था की गई है। इसके लिए जिले लेवल पर अर्बन एरिया में एक बड़ा CVC, जिसको कहते हैं कोविड वैक्सीनेशन सेंटर, बनाया गया है, जिसमें कई वैक्सीनेटर रहेंगे, कई वेरीफायर रहेंगे और 18 प्लस वाले आयु वर्ग वाले और 45 प्लस आयु वर्ग वाले लोगों को अलग अलग एक ही जगह में टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। और इसमें खास करके समाज के विभिन्न लोगों तक पहुंचने के लिए सरकार ने कैटेगराइज कर दिया है कि प्रथम हफ्ता में किनको देंगे, द्वितीय हफ्ता में किनको देंगे, तो उसके लिए एक खास प्रायोरिटी ग्रुप बना दिया है, जिनको उस दिन टीकाकरण के लिए आके और टीकाकरण को सफल बनाने के लिए बोला गया है। लेकिन आम जनता हर दिन आएगी और नियमित जो टीकाकरण कोविड का हमारा चल रहा है वो पूर्ववत चलता रहेगा। इसमें लक्ष्य यही दिया गया है कि 7000 जो है पर डे हमें जिला में करना है इस वैक्सीनेशन को। तो इसको पूरा करने के लिए पंचायत लेवल तक भी इसकी तैयारी चल रही है और हर ब्लॉक में भी इसकी तैयारी चल रही है। तो यही मेरा अभियान है। सर, ग्रामीण क्षेत्र में टीकाकरण, क्षेत्र में मोबिलिटी का प्रॉब्लम है थोड़ा सा और उसमें जागरूकता की भी कमी है, कहीं कहीं हेजिटेंसी भी है। तो ये तमाम चीज़ें तभी दूर होगी जब ज़्यादा से ज़्यादा उनके बीच में प्रचार प्रसार किया जाए और समाज के विभिन्न जो तबके के लोग हैं, जैसे PRI मेंबर हैं हमारे, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, JSPLS है, आंगनबाड़ी सेविका है, सहायिका है, सब लोग मिल के अगर ये प्रयास करेंगे तो ये प्रयास निश्चित रूप से सफल होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग 45 आयु वर्ग वाले वहाँ पहुँच सकते हैं। आप क्या अपील करेंगे सर ग्रामीणों से? नहीं, मैं ग्रामीण से ही अपील करता हूँ कि टीकाकरण ही बचाव का, कोविड से बचाव का ही मुख्य साधन है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग टीकाकरण कराएं, क्योंकि हमने देख लिया है पिछले दिनों कोविड का कहर हम लोग के ऊपर बहुत था, काफ़ी लोग आक्रांत हुए, काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई, काफ़ी लोगों ने अपने परिजनों को खोया है। तो बचाव ही उपाय है और बचाव का एकमात्र रास्ता है वैक्सीनेशन। इसलिए मैं सभी लोगों से आग्रह करता हूँ कि समाज के 18 प्लस से लेकर 45 प्लस वाले सभी आयु वर्ग के लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपना टीकाकरण लें और टीकाकरण में दोनों खुराक लेना भी सुनिश्चित करें। कभी ऐसा ना हो कि एक खुराक लिया और इसके बाद दूसरा खुराक अगर मिस करेंगे तो आपके शरीर में पूर्ण रोग से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता नहीं डेवलप होगी। क्या परिचय सर? एक सर, प्रति क्षेत्र है वहाँ लोग पहुँच नहीं पाते हैं, तो क्या वहाँ भी मोबाइल वैन जितना शहर में चला जा रहा है? जी जी, अभी हाल के दिशा निर्देश मिली है कि गांव में भी ये मोबाइल वैन का कंसेप्ट किया जा सकता है और वो मोबाइल वैन से उस आयु उस क्षेत्र तक पहुँचा जा सके जहाँ से लोग हॉस्पिटल आदि में कठिनाई महसूस करते हैं और खास करके वो प्रिविलेज्ड लोग हैं, ईटा ब्रिक्स वाले हैं, समाज के दबे कुचले लोग हैं जिनको बहुत वैक्सीनेशन की जानकारी भी नहीं है, तो उन तक पहुंचने के लिए मोबाइल वैन का प्रयोग करना है और हमें उनको मैक्सिमम उन तक पहुंच के।
सर इनमें पूरे देश में एक भस छिड़ा हुआ वैक्सीनेशन बर्बाद होने का, वैक्सीन खराब होने का, तो हजारीबाग में वैक्सीन खराब ना हो, बर्बाद ना हो, इसके लिए आप लोग क्या कदम उठा रहे हैं? जी, ये वैक्सीनेशन में वैक्सीन जो है बहुत कीमती है, उसका बर्बाद होना देश के लिए भी अच्छा नहीं है। एक तो बहुत दिक्कतों के सामना के साथ वैक्सीनेशन का कार्य चलता है, तो एक डोज एक वायल में जनरली 10 डोज होता है, तो अगर लाभार्थी जो होते हैं 10 का 10 पहुँचेंगे तो स्लॉट के बाद जैसे हम लोग उनको टीकाकरण देंगे तो हमारा एक भी टीका वेस्टेज नहीं जाएगा। तो थोड़ा जो लाभार्थी टीका लेने आते हैं उनका धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि अगर 5-6 आदमी पहुँचते हैं और उसमें जिद करते हैं कि नहीं वैक्सीन खोल दिया जाए, हम बहुत देर तक इंतजार किए हैं, तो उसमें वायल वैक्सीन बर्बाद होने की संभावना रहती है। हजारीबाग में क्या स्थिति है? जी नहीं, अभी हजारीबाग में वैक्सीन का बर्बादी बहुत कम है, न के बराबर है। पिछले दिनों बहुत चर्चा में था कि झारखंड में भी वैक्सीन की काफ़ी बर्बादी हुई है, तो वो बर्बादी नहीं थी, कुछ टेक्निकल कारण से जो पोर्टल में कुछ गलत एंट्री होने से वो वैसा दिख रहा था। हमारे यहाँ खास करके हजारीबाग में वैक्सीन की बर्बादी नहीं के बराबर है। सर अभी क्या स्थिति है वैक्सीनेशन की पूरा हजारीबाग में, रफ्तार है या नहीं है, कैसा है? जी रफ्तार है या नहीं वैक्सीन में? नहीं, वैक्सीनेशन में 18 प्लस में तो बहुत लोग में जोश है, जागरूक है, हम लोग प्रयास में रहते हैं कि मेरा स्लॉट तुरंत बुक कर लें और मौका मिल जाए तो हम लोग टीका लगा लें। लेकिन 45 प्लस आयु वर्ग में शहर के लोगों में जागरूकता है, गांव के लोगों में थोड़ी जागरूकता कम है, तो इसे हम मीडिया बंधु से भी आग्रह करते हैं कि उनके मार्फत से भी ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच मैसेज जाए कि नहीं टीका सुरक्षित है और टीका ही बचाव का उपाय है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है टीकाकरण में भाग लें। थैंक यू सर। काम किया, अब तीसरी लहर की बात की जा रही है तो क्या तैयारी चल रही है? हाँ, ये भी हम लोग को मिला है, रांची झारखंड सरकार का भी एक लेटर आया है पिछले दोनों, तो हर ज़िले में हजारीबाग में भी जो है पेडियाट्रिक वार्ड, उसमें आईसीयू बच्चों के लिए एनआईसीयू बनाना है, उसके लिए यहाँ हम लोग का जगह चिन्हित हो गया है, न्यू बिल्डिंग में टॉप फ्लोर में 3रे मंजिल में पाइपलाइन लगा है, वो पाइपलाइन से ऑक्सीजन जाएगा, बेड्स वहाँ 20 लगेंगे या मेरे पास तो वहाँ एटलीस्ट 30 बेड्स लग सकते हैं, तो वो भी बढ़ जाएगा। उसके अलावा जो भी हैं मेरे HMCH वगैरह में जो भी डॉक्टर इस तरह जो है दवा वगैरह जो है वेंटिलेटर उसका अलग होता है, उसका भी मशीन CPAP BiPAP HFNC अलग होता है, सारा हम लोग रांची हेडक्वार्टर को इन्फॉर्म किए हैं लिस्ट के द्वारा, 2-3 दिन पहले भी भेजे हैं, और जो भी ज़रूरत होगा अगर कुछ कमी होगी तो हम लोग यहाँ DC महोदय का भी जो है हम लोग को निर्देश मिला है, कोई भी कमी नहीं होने देंगे, इस तरह से हम लोग की तैयारी है, भले भगवान करे कि तीसरा लहर ना आवे। सर जो सस्पेक्टेड मरीज बोले जाते हैं कि मौत हो जाती है, तो क्या उन्हें आखिर सर्टिफिकेट कैसे दिया जाएगा, क्या माना जाए कोविड पेशेंट है, क्योंकि सरकार के द्वारा लाभ भी दिया जा रहा है, तो ऐसे मरीजों को लाभ कभी मिल पाएगा जो डेथ हो चुका है? ये देखिए, कोई भी हॉस्पिटल डेथ होता है तो डॉक्टर ही सर्टिफाई कर सकता है, अगर वो कोविड सस्पेक्ट भी है और कोविड उसका सिम्टम्स है और कोविड अगर है तो डॉक्टर का सर्टिफिकेट ही माने रखेगा, तो डॉक्टर से हम लोग बताए हैं अगर कोविड डेथ है। कल ही एक आए थे BSF वाले, उनका कुछ प्रॉब्लम था, उसको मैंने सॉल्व किया क्योंकि वो कोविड डेथ ही हमें लग रहा था, और रिपोर्ट में भी सर्टिफिकेट डेथ सर्टिफिकेट में भी कोविड लिखा था। तो ऐसा कुछ बना रहे हैं क्या नियम कि सस्पेक्टेड डेथ को भी कुछ सर्टिफिकेट? तो ये हॉस्पिटल को हमने कहा है कोविड डेथ का जो सर्टिफिकेट है उसमें लिखना हम लोग पड़ेगा, क्योंकि एविडेंस के बिना पैसा नहीं मिलेगा।